दोस्तों हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में कि माइक्रोकॉपी कैसे की जाती है, यानी कि हम इस फॉर्म को यानी कि हम यहाँ पे जो पेज रखे हैं चार पेज स्कैन होके हमारे एक ही पेज पे आ जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो उसको बोलते हैं दोस्तों माइक्रोकॉपी। तो हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि माइक्रोकॉपी की सेटिंग कैसे की जाती है। दोस्तों पहले मैं रीसेट कर लेता हूँ, सारी सेटिंग रीसेट हो चुकी हैं इसकी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, फंक्शन पे जाना है। यहाँ पे जो फंक्शन है हम फंक्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम पेपर सिलेक्शन करेंगे, A4 के पेपर पे हमें ये सब कुछ प्रिंट करना है, तो A4 सिलेक्ट हो गया है दोस्तों। फिर से हम फंक्शन पे जाएंगे। ये दोस्तों अगर हमें डबल साइड निकालना है तो उसके लिए है, लेकिन हम सिंगल साइड अभी कर रहे हैं। जूम को हम कर देंगे दोस्तों ऑटो। मेन्यू पे फिर से जाएंगे, कंबाइन में जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन आता है 4:1 का, तो दोस्तों 4:1 हमारा जो माइक्रो सेटिंग है वो हो गई है। अब हम दोस्तों इसको ही स्कैन करते हैं। ये स्कैन हो रहा है, इसी पेज को हम दोस्तों चार बार स्कैन करेंगे, क्योंकि हमें चार पेज स्कैन करने के बाद एक प्रिंट निकलेगा। ये हमने दोस्तों चार जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे एंड स्कैन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो हैं एक ही साइड पे चार पेज माइक्रो साइज में प्रिंट हो जाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे चार A4 के जो पेज स्कैन किए थे वो एक ही A4 पे आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी लगी है, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।